हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, एसआरएफ, गेट, आईआईटी जैम या किसी और यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम किसी तरह से, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर होगा तो किस तरह का क्वेश्चन होगा, सब कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। सॉल्यूशन डी वाई इक्वल टू, अगर उस साइड में लेना चाहें इसको, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स क्यूब एंड वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहां से अगर हम dy अपॉन dx लिखना चाहें तो dy अपॉन dx बराबर, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस ये हो जाएगा पहले x क्यूब माइनस टू एक्स टेन इनवर्स y और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स यहां से हमें देखते हैं तो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ भी बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो पहले हमने 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिवाइड कर लिया, इसे 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स टेन इनवर्स y, ये हो गया। अब अगर हम इस टर्म को चाहे तो हम इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया। फ्रेंड्स, अब अगर हम टेन इनवर्स वाई को कुछ मान लें तो हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ अलग वेरिएबल चेंज हो जाएगा अलग टर्म में, तो यहां से हमने ये आइडिया आया और हमने टेन इनवर्स वाई को कुछ जेड मान लिया। तो टेन इनवर्स वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहां से ये हो गया हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स जेड इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसको इंटीग्रेटिव फैक्टर की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना चाहे तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर आएगा हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर e टू द पावर p डॉट dx, यानी p क्या है पर 2x 2x डॉट dx, तो ये हो गया e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 2, बट 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो गया e टू द पावर x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर। अब अगर सॉल्यूशन लिखना चाहे तो z डॉट e टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लेट एक्स स्क्वायर बराबर बी, तो यहां से जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ डी एक्स बराबर वन अपॉन टू ऑफ डी बी, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास v, और ये जो x डॉट x और लास्ट में dx है उसकी हेल्प से 1 अपॉन 2 dv आ जाएगा e टू द पावर v डॉट dv और 1 बाय 2 आगे ये आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट डॉट सेकंड रूल से कर सकते हैं, और बेसिकली जब हम कंपटीशन तैयार कर रहे होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली याद रहना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन वैसे b माइनस वन e टू दी पावर b आएगा। कैसे निकालते हैं इसको, तो इसको निकाल के मैं बता देता हूँ, पहले b को छोड़ना है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर b माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर d b, b के करस्पोंडिंग dv डॉट b इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ऑफ dx, उसके बाद टोटल का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो ये हो गया v e टू द पावर v माइनस
इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x किया जाएगा, e टू द पावर x फिर dx, तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास e टू द पावर सॉरी v है v v एंड v और v सभी जगह v v है, तो ये हो जाएगा हमारे पास v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब फिर सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अगर निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये हो गया हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू 1 अपॉन 2 वी माइनस 1 ई टू द पावर वी प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब ये हो गया, अब फिर से हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया जेड डॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और अगर जेड को देखें तो जेड बराबर क्या था, जेड था हमारे पास टेन इनवर्स वाई, तो ये टेन इनवर्स वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 वी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर यानी ये तो जीरो हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा और ये टर्म 1 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास, इधर हो गए 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म 1 हो जाएगी प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स y बराबर ये इसका सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।